हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत का टॉपिक धातु रूप। तो धातु रूप कैसे याद करते हैं वही हम इसमें आज सीखेंगे, ओके? और साथ के साथ हम इसको याद भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूँ। जैसे हम संस्कृत में लकार पढ़ते हैं तो लकार मूल रूप से 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है? और जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने होते हैं, वे 5 प्रकार के लकार हमें पढ़ने होते हैं। लिट लकार वर्तमान काल, लिंग लकार भूतकाल, लीट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञाकार, और विधि लिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। तो ये हमें 5 प्रकार के लकार पढ़ने होते हैं। और जैसे आज इस वीडियो में हम लट लकार यानी वर्तमान काल के टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ओके? और साथ के साथ इसको दोहराते चलेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो जैसे कोई भी लकार होता है, जैसे लिट लकार होता है, इसमें 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है? और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम अगर आप एक भी कोई भी धातु रूप याद करते हैं तो आपको सभी के सभी उसी पर आधारित सभी के सभी धातु रूप याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको धातु रूप कैसे याद करने हैं और कैसे आपको इनको पढ़ना है। जैसे पट धातु के हम रूप पढ़ेंगे। जैसे पट धातु में एक वचन होता है पठती, द्विवचन होता है पठते है, बहुवचन होता है पठंती। अगर हम इसी प्रकार के धातु ले, देखे जैसे हमारा याद हो गया पट धातु का प्रथम पुरुष और उसके 3 वचन प्रथम पुरुष में पढ़ेंगे, फिर मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे और फिर उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। तो जैसे एक वचन हो गया पठती पठते पठंती, ओके? मध्यम पुरुष में होगा पठसी पठते पठत, ठीक है? उत्तम पुरुष में होगा पठामी पठावे है पठावे है, ओके? और जैसे हमारा गच धातु है, ठीक है, गम धातु है, तो इसमें कैसे होगा गच्छती गच्छते गच्छन्ति, ठीक है? आपको यहाँ एक चीज कॉमन लग रही होगी, जैसे पठ धातु है पठसी पठते पठंती, गम धातु ले लो गच्छती गच्छते गच्छन्ति, हमने इन धातुओं को सभी को एक साथ लिख दिया है। तो भवती भवते भवंती, वदती ही वदते वदन्ति, अगर आप एक रूप याद करते हैं तो आपको ये सभी रूप अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बोलते रहिए, जैसे पठती पठते पठंती, गच्छती गच्छते गच्छन्ति, भवती भवते भवंती, लिखती लिखते लिखंती, पीबती पीबते पिबंती। देखिए इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस एक ही रूल है, सभी में एक ही रूल है और एक ही सेंस है, आपको यही फॉलो करना है, ओके? और अब देखिए मध्यम पुरुष में अगर आप एक धातु रूप याद करते हैं, पठती वाला धातु रूप याद करते हैं, तो देखिए मध्यम पुरुष में पठती पठते पठत, गच्छसी गच्छते गच्छत, भवसी भवते भवत, वदसी वदते वदत, लिखसी लिखते लिखत, पीबसी पीबते पीबत, ओके? कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप एक धातु रूप याद करते हैं कि पठसी पठते पठत, फिर कोई भी धातु रूप हो, इसी की कोई भी धातु रूप हो, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। सब में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, एक ही सेंस फॉलो हो रही है, तो आपको भी ऐसे लिखना है। और मैंने ये इसको अलग अलग ना लिख के सभी को एक साथ लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसका पैटर्न क्या है, ओके? तो जैसे उत्तम पुरुष में देखते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं कि पठामी पठावे है पठामे है, तो आपको अन्य धातु रूप भी इसी प्रकार याद हो जाएगी। तो देखे कैसे, देखो गच्छामी गच्छावे है गच्छामे है, वदामी वदावे है वदामे है, लिखामी लिखावे है लिखामे है, पिबामी पिबावे है पिबामे है। तो आपको कुछ भी इसमें अलग नहीं लग रहा होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं, या तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे पठती पठते पठंती, मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसी पठते पठत, और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामी पठावे है पठामे, ठीक है? अगर आपके एग्जाम में आ गया कि गम धातु का मध्यम पुरुष के 3 वचन लिखिए और आपने ये याद किया है कि पठसी पठते है पठत, तो आप इसको भी इसी प्रकार कर देंगे, जैसे पठसी गच्छी पठते है गच्छते है पठत गच्छत,
तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको ये रूल फॉलो करना है, और आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं, आप भी साथ के साथ बोलिए, याद हो जाएगा। जैसे प्रथम पुरुष के धातु रूप पढ़े हम, अगर उसका तीनों वचन पढ़े तो इस प्रकार पढ़ दिया, देखिए पढ़ती गचती भागती वधती लिखती पीवती, आपका आसानी से याद हो जाएगा। पढ़ते हैं गचते हैं भागते हैं वधते हैं लिखते हैं पीवते हैं। ओके, पठंती गछंती भवंती वदंती लिखंती पिबंती और पश्यंती, कुछ भी हो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष के देखिए, मध्यम पुरुष के धातु रूप के तीनों वचन पटसी गचसी भवसी वदसी लिखसी पीवसी। ओके, सभी में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, पढ़ते हैं गचते हैं भागते हैं वधते हैं लिखते हैं पीवते हैं। अगर आप इस प्रकार इसको याद करते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, तो आप कभी नहीं इसको भूल पाने के। ओके, तो बहुवचन में देखिए पढ़ते हैं पठत गछत भवत वदत लिखत पिबत। ओके, उत्तम पुरुष में पठामि गच्छामि भवामि वदामि लिखामि पिबामि, ये द्विवचन का रूप है, पठावे गछावे भवावे वदावे लिखावे पिबावे। ओके, अब उत्तम पुरुष में बहुवचन होगा पठामि है गच्छामि है भवामि है वदामि है लिखामि है पिबामि। आप इसको इस प्रकार याद कीजिए। अगर आप इसको एक दो प्रकार और मतलब ऐसे ही आप इसको पढ़ते हैं दोहराते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल आज मैंने क्या डिस्कस किया, लेट लकार यानी वर्तमान काल। इसके बाद में मैं कल वीडियो बनाऊंगी भविष्य काल यानी लेट लकार, वो इसी से ही रिलेटेड है। हमेशा लेट लकार के बाद हमें लेट लकार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से आपको इसी से रिलेटेड है। इसमें